अलावा ट्राई नहीं कर सकते। तो आप किस तरह इसको काउंट करेंगे कि आपने क्या करना है, अगर आपके एक्सटेंशन नहीं है तो आपने क्या करना है, ये 30 है तो इसके बाद आप इसको काउंट कर सकते हैं। लाइक इसको आप अपने पास एक यानी कि शीट बना लेनी है एक्सेल की, ठीक है। एक्सेल की शीट किस तरह बनाएंगे कि आपने जो भी प्रोडक्ट रिसर्च की है किसी भी कीवर्ड के अगेंस्ट, तो आपने उस प्रोडक्ट का लिंक आपने कॉपी कर लेना है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इधर आपने कीवर्ड जाकर लिख लेना है, या प्रोडक्ट प्रोडक्ट लिंक या एसन कर लें, ठीक है। हम एसन कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं एसन, प्रोडक्ट एसन कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम उसके लिखेंगे कि कितने यूनिट्स आज की डे, यानी कि हमने पुट किए हैं तो आज के यूनिट्स लिखेंगे। तो हमने इसको वीकली डे यानी कि वीकली बेस पर हमने चेक करते रहना, ठीक है। बॉक्स एड टू कार्ट कर लेते हैं, ठीक है। एड टू कार्ट यूनिट टूडे, एड टू कार्ट यूनिट्स, ये कर लेना है आपने, ये हो गया। बाकी इसके रिव्यूज़ भी आप साथ साथ कर सकते हैं, रिव्यूज़ भी आपने यहाँ पे लिख लेने हैं जिस दिन आपने रिसर्च करनी है प्रोडक्ट की। तो यहाँ पे हम रिव्यूज़ लिखेंगे, ठीक है। रिव्यूज़ यहाँ पे रिव्यूज़ भी कर देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, जो आपने प्रोडक्ट रिसर्च किया लाइक एग्जाम्पल के तौर पर जो मैंने आपको प्रोडक्ट दिखाई है ये हो गया, ठीक है। इसका एसन है जहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं, ये इसका एसन होगा, या आपको इसके यानी डिस्क्रिप्शन में जाके भी आप इसको कॉपी कर सकते हैं, यहाँ से भी होगा और यहाँ से भी आपको मिल सकता है, इसका एसन मिल सकता है। तो यहाँ पे होगा आपके पास इसका एसन मिल सकता है, कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे इसका एसन किधर है, ये पड़ा है, ठीक है, ये एसन है इसका। तो यहाँ से भी आप इसको कॉपी कर सकते हैं, सिर्फ यहाँ से कॉपी करेंगे। देन आपने क्या करना है, शीट में आ जाना है जो शीट आपने बनाई है, और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देना है जो ऐसा ना आपने कॉपी किया है, यहाँ पे पेस्ट करेंगे इसको, ठीक है। इसको थोड़ा बोल्ड कर लेना है आपने, इसका साइज बढ़ा देना है आपने, और यहाँ पे राइट में लिखना है, ठीक है। सब कुछ इस तरह कर लेना है आपने ताकि आपके पास शीट बन जाए। तो आप मैनुअली जब भी प्रोडक्ट काउंट करेंगे तो इसी तरह आप करेंगे, ठीक है। इसको यानी कि डेली बेस पे आप चेक कर देंगे, और साथ डेट भी लिख लें अगर डेट लिखना चाहते हैं, लाइक हाँ आज डेट क्या है, डेट भी लिखते हैं जिस दिन आपने इसको रिसर्च किया है। तो आपने यहाँ पे आना है, आपने यहाँ पे डेट भी लिख सकते हैं, लाइक आज डेट है जो 23/24/2022, ठीक है। आपने यहाँ पे डेट भी लिख लेनी है, आपने कितने यूनिट्स एड टू कार्ट किए, लाइक इसके लाइक इन्वेंट्री में 30 यूनिट्स अवेलेबल है। कुछ अगर कोई रिस्ट्रिक्शन लग गया है तो उस प्रोडक्ट को आप छोड़ भी सकते हैं, या उसके अंदाज़ा नाप लगा सकते हैं कि अगर 30 यूनिट वो सेल कर रहा है तो उसके बाद इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा मौजूद है, क्योंकि वो 30 की अगर अब वो अवेलेबल है और दूसरे दिन आप चेक करते हैं कि वही 30 यूनिट अवेलेबल है। तो आपने क्या करना है, 3 दिन तक उसको चेक करते रहना है प्रोडक्ट को, अगर वो 3 दिन तक 30 यूनिट्स अवेलेबल हैं तो देन आपने उसको छोड़ देना है, क्योंकि आपको वो पता भी नहीं चल रहा होगा कितने यूनिट सेल हो रहे हैं। अगर आपके पास टूल नहीं है तो आपने इस मैनुअली के ज़रिए भी आप चेक करेंगे, अगर टूल्स के अवेलेबल अगर आपके पास जाए कि टूल्स नहीं है तो आपने क्या करना है, वो 30 यूनिट आपने यहाँ पर लिख लेने हैं, ठीक है। और डेट भी लिख लेनी है, और उसके रिव्यूज़ भी चेक करते रहना साथ साथ। रिव्यूज़ चेक करने से क्या मतलब, कस्टमर आते हैं उसके पास रिव्यूज़ भी बढ़ रहे हैं, अगर कस्टमर ये 166 है, ठीक है, सेकंड डे आप यानी कि दूसरे दिन आप इसी प्रोडक्ट के एसन को यहाँ पे पेश करते हैं और चेक करते हैं कि इसके रिव्यूज़ बढ़े हैं। अगर रिव्यूज़ बढ़े हैं तो आप चेक कर सकते हैं कि इसकी सेल भी बढ़ी होगी, तो आज सेल भी बढ़ी होगी और रिव्यूज़ भी बढ़े होंगे। और यहाँ पे आप चेक करेंगे कि कितनी क्वान्टिटी अवेलेबल है, इसमें 30 सेल लगाई हुई है। ऐड टू कार्ट करते हैं, तो ऐड टू कार्ट में आपने क्या करना है, यहाँ पे ऐड टू कार्ट करते हैं, और 50 पी के और टू कार्ट होगा, 30 आइटम्स हैं, ठीक है। यहाँ पे होगा एक ऑप्शन आता है उसी टू चेक आउट गो टू कार्ट शिपिंग डिटेल्स, तो यहाँ पे सिर्फ एक यूनिट आ रहा है, ठीक है। वहाँ पे कुछ होती है प्रोडक्ट जिन पे यानी कि लिमिटेशन नहीं होती, लाइक इसको चेक करते हैं, ये देख सकते हैं, ठीक है, इसने 50 की लगाई हुई है। अब इसका अगर स्टॉक अगर चेक करना है ना, अगर आपके पास अवेलेबल है एक्सटेंशन वगैरह तो इसके स्टॉक भी आप चेक कर सकते हैं,
तो स्टॉक इन्वेंट्री लेवल इसका चेक करेंगे, अगर 50 अगर इन्वेंट्री